मंच पर उपस्थित आई वे मोबाइल नीचे थोड़ा डाउन राजस्थान सरकार और उसके बाद आपने देखा बहुत सारी योजनाएं सामने लेके जिससे कि आयुर्वेद के बारे में जाने भी और लाभ भी उठा सकते प्रोफेसर संजीव सिन्हा सर वाइस चांसलर एनआईए जयपुर डॉक्टर रघुराम भाट जी अध्यक्ष मेडिकल असिस्टेंट एनसीआई सर नई दिल्ली सामने देखे प्रोफेसर बी आर राम जी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु आप लोग कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आज नेशनल आयुर्वेद यूथ कॉन्क्लेव का भी 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छी पहल है और इस तरह से आयुर्वेद भी करें। और मैंने ये भी कहा कि यहाँ राजस्थान में भी आयुर्वेद का बड़ा सेंटर एस्टैब्लिश हो जिससे कि पर्यटक भी आए और जितने भी हमारे पूरे देश भर में विदेशों से भी लोग आके आयुर्वेद के बारे में जानकारी लें, रिसर्च करें और एक सेंटर भी बने जहाँ उसका लाभ भी उठा। कल जयपुर स्थापना दिवस बहुत ही हम सबको गर्व है कि जयपुर वन ऑफ द बेस्ट प्लांट सिटीज है, उस समय की वन ऑफ द बेस्ट प्लांट सिटीज था और जिस तरह से जयपुर की स्थापना की गई, हर प्रकार से उसको एक साइंटिफिक तरीके से जयपुर की स्थापना की गई। आपने देखा होगा जो परकोटा है वहाँ की सड़कें अभी भी इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी पीछे आगे खड़े होंगे, पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम था जयपुर का वो उस समय का स्टैंडर्ड था। ये सारी बातें बहुत जयपुर बिल्कुल सबको गर्व है कि मैं भी जयपुर से हूँ, मुझे भी गर्व है कि जयपुर एक ऐसा शहर है जिसपे लोग आके बाहर से आके रिसर्च करते हैं कि जयपुर में कैसे बसाया गया था। जयपुर को 300 साल होने वाले हैं 2027 में, वो भी हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा, उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बड़ा हम लोग बहुत बड़े आयोजन हैं। इसी परकोटे की जो दीवार है उन पर 3100 से ज्यादा अतिक्रमण जो है वो चिन्हित किए गए हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए कार्रवाई तो हो रही है, अब धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, सफाई की भी बहुत हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। वर्ल्ड सिटी को इस बार मैंने बजट घोषणा में भी कहा है कि 100 करोड़ का बजट भी दिया है, उसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक DPR बना के भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि वहां से भी किसी योजना के माध्यम से जयपुर वॉल सिटी को और अच्छा बनाया जाए और व्यवस्थित बनाया जाए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो है ना ये काम सिर्फ सरकार और प्रशासन का नहीं है, जब तक कि लोग नागरिक वहां के नहीं जुड़ेंगे और अपने आप को उसका पार्ट महसूस नहीं करेंगे कि नहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक कुछ नहीं बनेगा। आप अतिक्रमण की बात करते हैं।